Z Limited is forcing a growth rate of 12% per annum in the next 2 years. आने वाले 2 सालों में 12% की ग्रोथ होगी. 2 सालों में मतलब हर साल पर एनम दिया हुआ है ना, तो 12% पहले साल ग्रोथ रेट, सेकेंड ईयर भी 12% ग्रोथ रेट. द ग्रोथ रेट इज लाइकली टू फॉल टू 10% फॉर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. फिर तीसरे और चौथे साल के लिए ग्रोथ तो होगी, लेकिन वो 10% ही रहेगी. फॉल बाय 10% नहीं है, फॉल टू 10% है. मतलब सिर्फ 2% से गिर रही है, लेकिन 10 पे आके रुक रही है. तो पहले साल 12% ग्रोथ रेट, दूसरे साल 12% ग्रोथ रेट, तीसरे साल 10% ग्रोथ रेट, चौथे साल 10% ग्रोथ रेट. आफ्टर दैट द ग्रोथ रेट, आफ्टर दैट द ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू स्टेबिलाइज एट 8% पर एनम. उसके बाद ग्रोथ रेट 8% पर एनम स्टेबिलाइज हो जाएगी, वो भी फॉर एवर. इफ द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज ₹1.50, अगर पिछला जो डिविडेंड पे किया कंपनी ने वो ₹1.50 है पर शेयर, एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%, और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, तो फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ जेड लिमिटेड. तो निकालना क्या है आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू यानी थियोरेटिकल वैल्यू जेड लिमिटेड के कंपनी की. आप ये डेटा यूज कर सकते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का जो 2 डिजिट्स में है, तो यही डेटा यूज कीजिएगा, कोई और नहीं. यानी 3 डिजिट या 4 डिजिट में मत लेना एग्जाम में. जब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि टेबल ये है, फैक्टर्स ये यूज करना है, तो वही यूज करने का. आइए इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में. एक तो ग्रोथ रेट है आपकी 12% पहले 2 साल में, फिर ग्रोथ रेट अगले 2 साल में है 10%, फिर परपेचुअल ग्रोथ रेट है आपकी 8%. अच्छा, जो D0 है, लास्ट डिविडेंड जो आपने पे किया वो है ₹1.50, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 16%. तो इन सारे गिवन डेटा के बेसिस पे आपको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. ठीक है, तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते. सो जेड लिमिटेड को लगता है कि आने वाले 2 साल में ग्रोथ रेट कितनी, 12% होगी. 12 12 1 2 3 4, आने वाले 2 साल में, पहले साल 12, दूसरे साल 12, तीसरे साल होगी ग्रोथ 10, फिर 10, और उसके बाद उसको लगता है कि परपेचुअली ग्रोथ रेट कितनी, 8% होगी. इफ द लास्ट डिविडेंड पेड वॉज ₹1.50, वॉज द लास्ट डिविडेंड दैट इज पेड बाय द कंपनी, एंड द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%. इन्वेस्टर कितना चाहते हैं कंपनी से, 16%. फाइंड आउट द इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑफ डेट. इंट्रेंसिक वैल्यू यानी क्या हो गया, थेरोटिकल वैल्यू. थेरोटिकल वैल्यू निकाल के बतानी है. कैसे निकालोगे, डिविडेंड पॉलिसी में थेरोटिकल वैल्यू निकालने के तरीके बहुत सारे हमारे पास में. या तो हम वॉल्टर्स मॉडल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, डेटा अलग दिया हुआ है. गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल भी यहाँ पे एक जगह पे यूज करेंगे, लेकिन पूरा नहीं. बस्ता मॉडिग्लानी मिलर लिंटर्स रेडिकल, ना 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 ना, एक मॉडल है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. जहां पे अलग अलग ग्रोथ रेट आ रही है वहां पे डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करो. कंसेप्ट क्या है कि आज की जो मार्केट प्राइस है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये और कुछ नहीं, आने वाले इन्वेस्टर्स को मिलने वाले कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए. तो यहां का डिविडेंड, अभी आज अगर कोई शेयर खरीदेगा तो जाके अगले साल डिविडेंड मिलेगा ना, इसलिए पुराने डिविडेंड हमारे कुछ काम के नहीं होते, क्योंकि हमको तो मिलने वाला ही नहीं है. तो जो डिविडेंड में पे हो चुका है वो कंपनी की मार्केट प्राइस डिसाइड करने के काम का नहीं है, जो मिलने वाला है फ्यूचर कैश फ्लोस. तो ये वाला डिविडेंड, उसके बाद वाला डिविडेंड काम का है. तो D1, अच्छा 1.50 में 12% डालोगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा. ये देखो, डिस्काउंटिंग क्या रेट से करूंगा, जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 16%, कम से कम उनको 16% रिटर्न तो चाहिए ना. ध्यान दो, 1 2 3 4, पिछला डिविडेंड कितना 1.50 था, उसमें अगला डिविडेंड कितना होएगा 1.12, 12% की ग्रोथ होगी ना उसमें.
1.68। अच्छा, ये 1.68 में 12% की ग्रोथ होगी, 1.88। अच्छा, फिर ग्रोथ रेट कितनी हो जाएगी? सिर्फ 10%, 2.07। फिर 2.07 जो है इसमें ग्रोथ रेट कितनी? 10%। टू पॉइंट टू सेवन सेवन, तो ये चार कैश फ्लोज आपके निकल चुके हैं। अब क्या है? परपेचुटी। अब कैसे निकालोगे फ्यूचर कैश फ्लोज? अब आप फ्यूचर कैश फ्लोज नहीं निकाल सकते। आपने डी वन निकाल लिया, डी टू निकाल लिया, डी थ्री निकाल लिया, डी फोर निकाल लिया। अब जो आपको निकालना है वो है वैल्यू ऑफ परपेचुटी। अच्छा, कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ परपेचुटी? डी फोर आपके पास है कितना? 2.28। मान लो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है जिसमें आप यहाँ पे खड़े हो, ये सारा डिटेल था ही नहीं आपके पास, सिर्फ 2.28 है, आगे की ग्रोथ रेट है 8%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16%। तो क्या यहाँ पे मार्केट प्राइस निकल सकती है? दैट इज कॉल्ड एज MP4, निकल सकती है ना। डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ, डी जीरो इंटू वन प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, तो वो प्राइस कब कहाँ की रहेगी? यहाँ की मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। क्योंकि 2.28 प्लस वन इंटू वन प्लस ग्रोथ करेंगे तो वो अगले साल का डिविडेंड आता है। अगले साल का डिविडेंड लेता है तो मार्केट, अपन अगर अगले साल का डिविडेंड ले रहे हैं तो मार्केट प्राइस कब की निकाल रहे हैं? यहाँ की निकाल रहे हैं ना, तभी तो अगले साल का डिविडेंड ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे पांचवें साल का डिविडेंड लेंगे तो ही तो जाके चौथे साल की प्राइस निकलेगी। तो अब ये जो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आ रही है, ध्यान दो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर आ रही है इसमें क्या इंक्लूडेड है? पांचवें साल से पूरे लाइफ टाइम तक आने वाले कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू, आने वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू MP4 में इंक्लूडेड है। तो पूरी लाइफ साइकिल इतनी है यहां से लेके यहां तक। एक साल का डिविडेंड अलग से लिया, दो तीन चार का भी डिविडेंड अलग से ले लिया, अब पांचवे से लेके आगे कितना डिविडेंड लेना है? ऐसा पांच छह सात आठ नहीं, तो पांच से लेके परपेचुअली इनफाइनाइट टाइम तक जितने भी कैश फ्लोज है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू MP4 रिप्रेजेंट करता है। तो चार साल के डिविडेंड यहां पे, बाकी सारे डिविडेंड MP4 में आ गए। तो ये चार डिविडेंड प्लस MP4, ये पांच चीजें आपकी कवर अप करती है पूरे कैश फ्लोज कंपनी के, यहां से आने वाले सारे कैश फ्लोज अंटिल द लाइक एंड, जो कि परपेचुअल है। तो ये कैश फ्लोज भी याद रखना चौथे साल का ही होता है। और ये हम कैसे निकालते हैं? डी जीरो वन प्लस ग्रोथ, यानी एक तरह से मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ चौथा फोर्थ ईयर, ठीक है। तो डी जीरो वन प्लस ग्रोथ, डी जीरो कितना, सॉरी डी फोर लेंगे, है ना। तो 2.28, इसमें ग्रोथ कितनी होगी? 8% की। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना? 16%, 8। ये सिर्फ चौथे साल तक खींच के लेके आ रहे हो आप, ठीक है। डिस्काउंटिंग सिर्फ चौथे साल तक की हो रही है। 30.78, आया समझ में? ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, जीरो पॉइंट की नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू है पांचवे साल से आगे के सारे कैश फ्लो चौथे साल के एंड तक। अभी भी चार साल से खींचना बाकी है उसको। तो आओ फैक्टर्स लेते हैं। 0.862, 0.7432, 0.6407, 0.5523 और वापस 0.5523 ही आएगा क्योंकि चौथे साल का ही है। मल्टीप्लाई करते 1.448 या 1.40, 1.33 1.26 17 आएगा एग्जैक्ट। तो ये हो गई आपकी मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इसमें
आने वाले सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की, सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू है। तो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में आप सिर्फ इतना ही कमाने वाले हो, यही मतलब हुआ, क्योंकि डिविडेंड 22.44। देखो तरीका बताता हूँ आपको, लॉजिक भी बताता हूँ उसके पीछे का। ये डिविडेंड आप अगर शेयर होल्डर हो तो मार्केट प्राइस पे आप शेयर खरीदते हो तो ये पैसा जाता है आपका माइनस, उसके बाद डिविडेंड आपको आएगा, ये आएगा D3 आएगा D4 आएगा, है ना। उसके बाद के आने वाले सारे डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू MP4 है, तो ये भी आपको आएगा। यानी या एक तो सेल प्राइस ले लो इसको, या तो डिविडेंड ले लो सारे के सारे। ये पांचों चीजें आपको आएगी एक बार ये खरीदने के बाद। अच्छा, ये पांचों चीजों की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 22.44। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म हो गई। तो ये 22.44 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर इनकम, ऑफ योर फ्यूचर इनकम, आपके फ्यूचर में होने वाली जितनी भी इनकम है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 22.44। मतलब एक चीज तो कंफर्म होगी कि आज इन्वेस्ट करके 22.44 से ज्यादा नहीं कमाओगे, भले ही आप 50 पे खरीदो या 100 पे खरीदो। डिविडेंड की अमाउंट थोड़ी बदलती है उससे, नहीं बदलेगी। डिविडेंड तो फेस वैल्यू पे लगता है, मार्केट प्राइस से क्या लेना देना डिविडेंड का? ना। तो मार्केट प्राइस आप 50 पे खरीदोगे तो भी प्रेजेंट वैल्यू आपको मिलने वाले कैश फ्लोस की 22.44 है। लेकिन अब आप बताओ, क्या आपको जब पता है कि प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में 22.44 ही मिलेगा, तो क्या उसके लिए आज 50 रुपए दोगे? ये तो दोनों कंपेयर कर सकते हो, ये भी जीरो टाइम का है और 50 रुपए भी जीरो टाइम का है। क्या खरीदोगे 50 में? नहीं। तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा आप कितने रुपए देने के लिए तैयार रहोगे? 22.44, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतना ही मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इतना ही दोगे, है। तो मार्केट में प्राइस कितनी होनी चाहिए शेयर की? मैक्सिमम 22.44। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज अ इंट्रेंसिक वैल्यू, कि भैया प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में इससे ज्यादा आ ही नहीं रहा है, तो इस शेयर को खरीदने के लिए इससे ज्यादा देंगे क्यों? तो कितना दोगे ज्यादा से ज्यादा? 22.4। आंसर को नोट डाउन कर लो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए।